अर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदं ईशं आळंदी वल्लभं। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैक पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुरीरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीं। आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम का चिंतन अनेक पहलुओं से करते हुए, अनेक दृष्टियों से करते हुए आज हम उसके एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण राम राज्य का कुछ चिंतन करने वाले हैं। सारा समाज राज नियंत्रित होता है और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उस समय के समाज की परिस्थिति के ऊपर राजा का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव होता है। जहां तक भगवान श्री राम का विषय है, उनकी तो विशेषता यह है कि उनका प्रभाव उस समय की स्थिति पर, उस समय के समाज जीवन पर तो रहा ही, किंतु वह प्रभाव आज तक चला आया है। कहीं पर भी जहां सर्वत्र मांगल्य का विवर्धन होता है, नियमों का पालन होता है, सभी लोग सुख का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, सहज अपने मुख से शब्द निकल आता है कि यहां तो राम राज्य है। महात्मा गांधी जी की कल्पना में भी सर्वोच्च राज्य की यदि कोई परिकल्पना की जा सकती थी तो वह राम राज्य की ही थी। राम राज्य एक ऐसा शब्द है जिसने हमारे सारे विचारकों को मोह लिया है और यह राम राज्य हमारी पूरी परंपरा में समाज की एक आदर्श स्थिति रही है। समाज विकास करते रहता है, विकास निरंतर चलना चाहिए। इस विकास की चरम सीमा क्या होगी, इसका दर्शन हमें राम राज्य की संकल्पना में होता है। अनेक राजा आए, अनेक राजा चले गए, लेकिन भारत के लोगों के हृदय सिंहासन पर राजा राम आज भी विराजमान हैं और आदर्श राज्य की संकल्पना के रूप में राम राज्य की कल्पना सभी लोग अपने सामने रखते हैं। वह आदर्श कल्पना है। भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान हुए और राम राज्य का शुभारंभ हुआ, ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है, लगता है। बात तो ऐसे लौकिक दृष्टि से ठीक भी है, किंतु यह बात थोड़ी सी विचारणीय भी है। भगवान श्री राम का राज्य वास्तव में आरंभ हो जाता है तब से जब सिंहासन पर भरत जी प्रभु की पादुकाओं की स्थापना कर देते हैं। यद्यपि भगवान अपने अधिकार को तिलांजलि देकर के वन में चले गए और राज्य कैकेयी माता की इच्छा के अनुसार भरत जी के लिए छोड़ दिया, किंतु भरत जी ने उसे स्वीकार कहां किया। भरत जी स्वयं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए दलबल के साथ
परिवार के साथ चित्रकूट की यात्रा करते हैं, भगवान श्री राम को समझाते हैं। भगवान श्री राम और श्री भरत, इन दोनों का वहां का संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह संवाद थोड़ा विवादात्मक कलहात्मक भी है, लेकिन यह कलह बड़ा मंगलमय कलह है। मैं राजा हूं यह प्रमाणित करने के लिए कलह तो संसार में सर्वत्र हम लोग देखते रहे हैं, लेकिन मैं राजा बन नहीं सकता, तुम्हें राजा बनना चाहिए। इसके लिए चित्रकूट में वह दोनों भाइयों का मंगल कलह चल रहा है। आखिर श्री राम तो श्री राम है, उनके आगे, उनके युक्तिवाद के आगे, जो कि पूरा धर्म संगत था, उसके आगे किसी का कुछ चला नहीं और भरत जी को लौटना के लिए बाध्य होना पड़ा। किंतु विदा होते होते भरत जी ने भी युक्ति कर दी और प्रभु की पादुकाओं की याचना की और इन पादुकाओं को अपने मस्तक पर धारण करके श्री भरत नंदीग्राम में लिवाल आए और वहां पर प्रभु की पादुकाओं की स्थापना हुई। तो राम राज्य की स्थापना भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजे तब से नहीं, भरत जी ने जब प्रभु की पादुकाओं की स्थापना नंदीग्राम में कर दी तभी से राम राज्य है। और इसका बड़ा सुंदर अर्थ है, राम राज्य के संस्थापक इस दृष्टि से श्री भरत जी ही कहे जा सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अपने अधिकार को तिलांजलि देकर के कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान वन के लिए प्रस्थान कर देते हैं अपने पिताजी के वचन की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, अपने परिवार की कीर्ति की रक्षा के लिए। प्रभु ने ये किया तो ऐसे ही कहना चाहिए कि यद्यपि भरत जी ने नंदीग्राम में प्रभु के पादुकाओं की सिंहासन पर स्थापना करके राम राज्य की स्थापना तो कर दी, लेकिन उसका शिलान्यास भगवान ने स्वयं उसी दिन कर दिया जिस दिन भगवान अयोध्या से युवराज पद पर जिस दिन अभिषेक होना था उस दिन तपस्वी का वेश धारण करके चल पड़े। अधिकार का विचार नहीं किया, कर्तव्य का विचार किया। मित्रों, जहां जहां राम राज्य स्थापन होना है, जहां जहां सबको सुख प्राप्त हो इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण करनी है, वहां का सबसे मूल सूत्र इन दोनों भाइयों ने हम लोगों को दे दिया और वह सूत्र यह है कि मनुष्य को सर्वप्रथम अधिकार का नहीं कर्तव्य का विचार करना चाहिए। मेरा अधिकार, माय राइट, मेरा हक, इसको लेकर के लड़ने वाले आपको सर्वत्र मिलेंगे, लेकिन अपने अधिकार को तिलांजलि देकर के अपने कर्तव्य को अधिक महत्व देने वाले और दूसरे के अधिकार की रक्षा करने वाले ऐसे भाई जहां होते हैं, ऐसे राजा जहां होते हैं, ऐसा राज परिवार जहां होता है, वहां राम राज्य की स्थापना होती है। इस मूल बात को हम ध्यान में रखें। जब भगवान स्वयं इस प्रकार के जीवन मूल्यों का, यानी जीवन मूल्य तो हम लोगों का शब्द है आजकल का, वास्तव में धर्म का पालन करते हुए श्री भगवान जब इन बातों को सहजता से करते जाते हैं तो अपने आप ही अयोध्या के सिंहासन पर प्रभु के विराजमान होने के पश्चात जो दृश्य खड़ा हुआ है वह बड़ा विलक्षण है। न पर्यदेवन विधवा न च व्यालकृतं भयम् न व्याधिजं भयं चासीत् रामे राज्यं प्रशासति। महर्षि वाल्मीकि बड़ा सुंदर वर्णन प्रभु के राज्यकाल का करते हैं। रामे राज्यम प्रजा प्रशासति, स्वयं भगवान श्री राम जब सिंहासन पर विराजमान होकर के राज कारोबार देखते हैं तो क्या अवस्था है अयोध्या की, क्या अवस्था है लोगों की, इसका सुंदर वर्णन आपको अयोध्या की परंपरा के अनुसार भी प्राप्त हो सकता है।
और वह इस प्रकार का है, तस्मिन् पुरवरे हृष्ट धर्मात्मानो बहुश्रुताः नरास्तुष्टा धनैस्वैस्वैर् अलुब्धा सत्यवादिनः। सबसे पहली बात महर्षि वाल्मीकि बतलाते हैं कि अयोध्या जी में सर्वत्र आनंद आनंद है, सभी लोग आमोद प्रमोद और आनंद का लाभ लेते हैं, सब लोग प्रसन्नता से अपने व्यवहार करते हैं। लेकिन इस प्रसन्नता का मूल कहाँ है? इस सारे वैभव का, इस सारे उपभोग का, इस सारे आमोद प्रमोद का मूल, बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बतलाते हैं, धर्मात्मानः। लोगों के लिए धर्म यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करना चाहता है और अपने धर्म का पालन करने में तत्पर है। मित्रों, धर्म शब्द का अर्थ करते समय आप कोई कर्मकांड उपासना आदिकों का विचार केवल मत कीजिए, वह तो धर्म का एक छोटा अंग हमारी परंपरा में माना गया है। प्रायः हम लोग इस बात की गलती करते रहे हैं कि हमने धर्म का अनुवाद रिलीजन के रूप में कर दिया। रिलीजन यानी संप्रदाय, उपासना पद्धति, यह धर्म का एक छोटा अंग है। चाहे भगवद गीता है, चाहे महाभारत है, चाहे रामायण है, संस्कृत भाषा का कोई ग्रंथ है, धर्म शब्द का पहला अर्थ होता है मेरा कर्तव्य क्या है, माय ड्यूटी। धर्म इस शब्द से सबसे पहले हमारे समाज में कर्तव्य का बोध होता है, और इसको तो आप भी समझ जाएंगे, पुत्र धर्म कहने पर, पुत्र धर्म है, राज धर्म है, प्रजा धर्म है, पितृ धर्म है, मातृ धर्म है, इन सब शब्दों में धर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य है। सभी लोग सुखी तब रह सकते हैं, आमोद प्रमोद चिरकाल तक तब टिकता है सबका, जब हर व्यक्ति अपना कर्तव्य करने में तत्पर रहेगा, अपने कर्तव्य को सर्वाधिक महत्व देगा। धर्मात्मानो बहुश्रुता, एक व्यक्ति नहीं सारा समाज धर्मात्म हो जाना चाहिए। समाज के सब लोगों को अपने धर्म का पालन, अपने कर्तव्य का पालन सर्वाधिक महत्वपूर्ण लगना चाहिए। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह तब होती है जब सबसे पहले नेता लोग उसकी ओर ध्यान देते हैं। राम राज्य की विशेषता क्या है? राम राज्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है, यहां राजा सबसे अधिक नियमों का पालन करते हैं। महाभारत का एक सिद्धांत ध्यान में रखना। अब महाभारत का सिद्धांत ऐसे जब मैं कहता हूं तो आपको ध्यान में यह लेना चाहिए कि यह वैदिक सिद्धांत है, यह हमारी परंपरा का मूल सिद्धांत है। महाभारत में एक श्लोक तीन स्थानों पर आता है, कुंती माता के मुख से भी यह कहा गया, राजर्षि भीष्म के मुख से भी यह कहा गया, क्या कहा गया? कालो वा कारणम राज्ञाम, राजा वा काल कारणम, इतते संशयो मा भूत राजा कालस्य कारणम। समाज के कारण राजा बनता है कि राजा अपने व्यवहार से समाज के ऊपर और उस समय के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। इसके बारे में निश्चिंत करते हुए भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि राजा कालस्य कारणम। अपनी सामान्य भाषा में भी हमारे देश में एक कहावत प्रचलित है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे राजा व्यवहार करेगा वैसी प्रजा व्यवहार करेगी। यह सूत्र आप सर्वत्र देखेंगे। किसी परिवार का मुखिया यदि लापरवाह होगा
और अन्य लोगों से वह अपेक्षा रखेगा कि उनको दक्ष रहना चाहिए, तो कठिन बात है। किसी पार्टी का प्रमुख अथवा किसी संगठन का प्रमुख नियमों का पालन नहीं करेगा, और यदि वो ये चाहेगा कि सब लोगों के द्वारा नियमों का पालन किया जाना चाहिए, तब स्थिति बहुत दिनों तक ठीक नहीं रह सकती। भगवान श्री राम धर्मात्मा स्वयं है, और परंपरा से इस सिंहासन का यह स्वभाव रहा है। इसी का परिणाम यह था कि प्रजा में भी सर्वत्र धर्म का पालन करने की लत थी। धर्मात्मानो बहुश्रुता नरास्तुष्टा धने स्वयं स्वयं अलुब्धा सत्यवादिनः। सबसे पहली बात बतलाते हैं, शिक्षा का व्यापक प्रचार था हमारे देश में। उस समय में कोई भी अनपढ़ नहीं था। मित्रों, उस समय की बात तो क्या, अंग्रेजों का राज हमारे देश में आने के समय तक हमारे देश में अनपढ़ कोई था नहीं। और इस बात को यदि आप ठीक से जानना चाहते हैं तो पढ़िएगा गांधीवादी विचारक धर्मपाल जी की पुस्तक द ब्यूटिफुल ट्री। अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति आने से पूर्व यहां पर जो निरीक्षण किया गया तो उन लोगों ने यह पाया कि यहां पर कोई अनपढ़ है नहीं, इतने सारे गुरुकुल चल रहे हैं। धर्मात्मानो बहुश्रुताः, क्योंकि शिक्षा ही तो समाज का भविष्य निर्माण करती है। गुरुकुलों में जाकर के बालक पढ़ते हैं, उत्तम शिक्षित होकर के आते हैं। भगवान श्री राम की शिक्षा का विचार करते समय हम लोगों ने इसका विचार किया है। तो भगवान श्री राम तो एक प्रतीक है, उसी प्रकार प्रजा के सामान्य लोगों के बालक भी गुरुकुलों में जाकर के विविध प्रकार की शिक्षाएं अपने कर्तव्य के अनुरूप प्राप्त करते हैं। लोगों के पास धन का अभाव नहीं है, अयोध्या के लोग धनवान हैं, अयोध्या समृद्ध नगरी है, और इतनी समृद्ध है उसका वर्णन करते समय महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, ना कुंडली ना मुकुटी ना स्रग्वी ना अल्प भोगवान ना मृष्टो नवन नलिप्तांगो ना सुगंधश्च विद्यते ना मृष्ट भोजी ना दाता नाप्यनंग निशु निष्कद्रुप ना हस्ताभरणो वापि दृश्यते वाप्यनात्मवान। अयोध्या में ऐसा कोई नहीं जिसके पास आवश्यक मात्रा में स्वर्ण नहीं है, हर व्यक्ति के शरीर पर अलंकार है, हर व्यक्ति के कपड़े अत्यंत स्वच्छ और उत्तम प्रकार के हैं। घर घर में जो अन्न सिद्ध होता है उसमें मिष्ठान्न अवश्य होता है, नामृष्ट भोजी नादाता। अयोध्या में याचकों की, यदि अयोध्या में किसी बात की कमी है तो केवल याचकों की कमी है। दाता तो इतने हैं, हर व्यक्ति दाता है, हर व्यक्ति देना चाहता है, लेने वालों की कमी है। ऐसा कोई नहीं, मैं मूल वाल्मीकि रामायण से आपको बतला रहा हूं। ना हस्ताभरणो वापी, जिसके हाथ में स्वर्ण का एक भी अलंकार नहीं, ऐसा कोई नहीं। साधु संन्यासियों की बात छोड़ दीजिए, उन लोगों का तो व्रत है इसलिए वे इन अलंकारों को धारण नहीं करते हैं। बाकी सारे के सारे लोग अलंकृत हैं, मिष्टान्न भोजी है, शिक्षित है, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले हैं। लेकिन सबके साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है
किसी के भी जीवन में दुराचार नहीं है, किसी के भी अंतकरण में अवांछित विकार नहीं है। कामीवान कदर यो वा नशंस पुरुष क्वचित। अपने काम वेग से, अपनी काम वासना से लोगों को दूषित करने वाला न कोई पुरुष वहां पर है, न कोई स्त्री वहां पर है। हर घर में धन धान्य का आवश्यक मात्रा में संग्रह है। नाल्पसन्न च कश्चित् आसीत् तस्मिन् पुरोत्तमे। यदि परिवार को सुखी रहना है तो परिवार में धन धान्य का संचय होना चाहिए। धन धान्य का संचय करने की यह पद्धति प्राचीन काल से भारत में रही है और ध्यान रखना इसी का परिणाम यह है कि संसार में सर्वत्र रिसेशन आकर के और संसार की अनेक संस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई, उस समय भी भारत स्थिरता से बचा रहा, बना रहा। इसका कारण धन और धान्य का संग्रह करने की हमारी मूल प्रवृत्ति है। आश्चर्य की बात है, कुटुंबियो य सिद्धार्थो गवाश्व धन धान्यवान। सभी के पास आवश्यक पशुधन भी विराजमान है। यदि वैश्य है तो उनके पास गाय बैल गोमाता गोपालन उनका कर्म है। यदि क्षत्रिय है तो उनके पास अश्व है। राम राज्य में विचित्र बात यह है, कोई अविद्वान नहीं। द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायाम ना विद्वान न च नास्तिक। सारी शिक्षा में धर्म का अनुपालन और धर्म का उपदेश इस प्रकार से किया जाता है कि कोई भी नास्तिक नहीं है, न तो कोई अविद्वान है और न कोई नास्तिक है। और इसका परिणाम यह है, धर्मे नैव प्रजास्तावत् रक्षन्ति स्म परस्परम। हर व्यक्ति अपने अपने कामों में मग्न है और अपने कर्तव्य पालन में मग्न होने के कारण वह दूसरे को भी उनके कर्तव्य पालन के लिए बाधा नहीं बनता है। नदी न क्षिप्त चित्तो वा व्यतितो वा अपि कश्चन। अरे पूरी अयोध्या में कोई लाचार नहीं है जिसके पास किसी प्रकार की कमी रही हो। अयोध्या में दैन्य नहीं देखने मिलता। सारे के सारे लोग दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। दीर्घायुषो नरा सर्वे धर्मम सत्यंच संश्रिता। वर्णन करते हैं इस पूरे राम राज्य में कोई भी स्त्री को वैधव्य का दुख झेलना नहीं पड़ता है। किसी भी पिता को पुत्र की मृत्यु का दुख झेलना नहीं पड़ता है। जिस क्रम से लोगों का जन्म होता है उसी क्रम से लोगों की मरण की भी बेला आती है। सब अपने अपने क्रम से जाते हैं, जिस क्रम से आए उस क्रम से जा रहे हैं। रोग अयोध्या में फैलते नहीं। नव्याधिजम भयंचासी रामे राज्यम प्रशासति। आज हम सारे लोग, सारा देश नहीं नहीं पूरा संसार एक व्याधि के चंगुल में फंसा हुआ अपने को हतबल अनुभव कर रहा है। राम राज्य में कोई व्याधि नहीं, क्योंकि इस प्रकार की व्याधियां निर्माण होने का कोई अवकाश ही नहीं। वातावरण ही ऐसा है।
केवल व्याधि की बात नहीं, ह्यूस्त प्राणियों का भी कोई डर अयोध्या के निवासियों को नहीं है। नचस्म वृद्धा बालानाम प्रेत कार्याणि कुर्वते। अयोध्या जी में चोरी होती नहीं, कोई किसी के ऊपर अत्याचार करता हुआ दिखता नहीं। बड़े भाई को छोटे भाई का अथवा पिताजी को अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने की बारी कभी आई नहीं। अयोध्या में सर्वत्र दो बातें दिखती है, क्या दिखता है? सर्वम मुदितमेव आसीत् सर्वो धर्म परो भवत्। सभी के सभी आनंद का अनुभव करते हैं, आमोद प्रमोद से परिपूर्ण है अयोध्या। और दूसरी बात, धर्म का पालन, इसी को तो कहते हैं मर्यादा। हमारी परंपरा में, वैदिक प्रणाली में आमोद प्रमोद का, एंजॉयमेंट का कोई विरोध नहीं है। उल्टे हर व्यक्ति को अपने जीवन को एंजॉय करना चाहिए। आमोद प्रमोद हमारे जीवन का अंग होता है, बस एक मर्यादा है, मैं अपने धर्म का कहीं पर भी उल्लंघन नहीं करूं। निरामया विशोकाश्च रामे राज्यम प्रशासति। न किसी के शरीर में रोग है और न किसी के मन में कोई शोक है। रोग रहित समाज, शोक रहित समाज, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों को प्राप्त करने वाला समाज रघुवंश ने निर्माण किया। भगवान श्री राम ने उसको आगे बढ़ाया और अपने स्वयं के उदाहरण से कैसे अधिकार को तिलांजलि देकर के कर्तव्य का पालन करना अधिक महत्वपूर्ण होता है, ये लोगों को सिखाया। राम राज्य केवल धर्म राज्य नहीं है, नियमों का पालन करते हुए जीना चाहिए, ये तो बात है ही, लेकिन इन सारे नियमों के ऊपर होता है मनुष्य का प्रेम। केवल नियमों का पालन ही करता रहा समाज तो वह समाज लूखा हो जाएगा, वह परिवार लूखा हो जाएगा। आवश्यकता होती है नियमों का पालन तो अवश्य किया जाए, लेकिन प्रेम से भरपूर रह करके किया जाए। मुझे सबसे प्रेम करना आना चाहिए। भगवान श्री राम अपने प्रजाजनों से अत्यंत प्रेम करते हैं। अरे इसीलिए तो हम लोग देखते हैं ना, प्रभु स्वयं शबरी माता की कुटिया में जाकर के वहां पर भी फलमूल कंदमूल लेकर के और प्रसन्नता से व्यवहार करते हैं। भगवान को स्वयं ऊंचा नीचा, मैं बड़ा, इस प्रकार का कोई भाव नहीं है। यही तो देख करके रावण के दूतों को आश्चर्य लगा था, प्रभु तरुतर कपिडार पर, प्रभु तरुतर कपिडार पर। भगवान तो वृक्ष के नीचे बैठे हैं और वानर वृक्षों के ऊपर बैठे हैं। रावण के दूतों को, गुप्तचरों को ऐसे लगा हमारे यहां तो यह संभव नहीं है, रावण नीचे बैठे उसके बराबर भी कोई नहीं बैठ सकता है, ऊपर की तो बात ही क्या है। लेकिन प्रभु में इस प्रकार की औपचारिकता नहीं है, यहां प्रेम का साम्राज्य है। अलग नियम तो सबको पालन करने ही होते हैं, लेकिन नियमों से बढ़कर के भी एक प्रेम का राज्य होता है। यू मस्ट वॉक सम एक्स्ट्रा माइल्स, राम राज्य से एक्स्ट्रा माइल्स का राज्य है। धर्म के पालन को अंतर्गत रखते हुए प्रेम से सारे संसार को जीता जाए, इसका परिणाम यह हो गया। भगवान श्री राम जब सिंहासन पर विराजमान थे
सारी प्रजा के मुख में केवल राम 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 की ही स्तुति, राम का ही कौतुक आता था। रामो रामो रामैति प्रजानाम अभवत कथाः, राम भूतम जगत भूतम रामे राज्यम प्रशासति, सर्वत्र नारा राम नाम का था, सर्वत्र प्रेम राम जी के लिए उमड़ता था, क्योंकि राम जी का प्रेम प्रजा के लिए उमड़ता था। प्रभु ने स्वयं कह दिया था महर्षि अष्टावक्र को, गुरुदेव प्रजा को सुखी करना यह मेरा पहला कर्तव्य है, मैं इसके लिए कोई भी त्याग कर सकता हूं। स्नेहम दयांच सौख्यंच यदि वा जानकी वपि आराधनाय लोकानाम मुंच तो नास्ति मे व्यथा, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं मेरी प्रजा को सुखी करने के लिए। प्रजा का रंजन करना, प्रजा को सुखी करना, प्रजा में धर्म प्रेम और आनंद आमोद प्रमोद सुरक्षा शिक्षा इन सारी बातों की व्यवस्था करना, इसी के लिए मेरा जीवन है। प्रभु ने स्वयं 14 वर्षों के वनवास में इस बात को प्रमाणित कर दिया कि कैसे नर करनी करे तो उसका दारायण हो जाए। और वनवास से लौटने के पश्चात सिंहासन पर बैठ करके सारे प्रजा के सामने अपना आदर्श रखते हुए यही संस्कार प्रदान किया, कर्तव्य के लिए कर्तव्य और चरित्र के लिए चरित्र, ये रामराज्य के मूल सूत्र है। मित्रों, मुझे अपना कर्तव्य क्यों करना चाहिए, वो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य इसलिए करना चाहिए, ड्यूटी फॉर ड्यूटीज से। अच्छा, चरित्रवान रहने से मुझे क्या मिलेगा, ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, मुझे चरित्र के लिए चरित्र का पालन करना चाहिए, कैरेक्टर फॉर कैरेक्टर सेक कर्तव्य का पालन, चरित्र का संरक्षण, ये राम राज्य के दो अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। और इन दोनों सूत्रों को बांधता है प्रेम, और यह प्रेम हमारा भगवान श्री राम के प्रति हो जाए, भगवान श्री राम के इन सिद्धांतों के प्रति हो जाए, और हम इस मार्ग पर चलने का थोड़ा बहुत प्रयास अपने घरों में करें, अपने संगठनों में करें, तो हम जहां भी रहेंगे वहां राम राज्य स्थापित होगा, आनंद आमोद प्रमोद मर्यादा सुख शांति ये सब कुछ प्राप्त होगा। इन सभी का एकत्रित नाम राम राज्य है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारे भीतर राम को जागृत करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।